नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स के घर बेटी हुई। शख्स ने खुशी में अपने घर में जमकर पटाखे चलाए। अब आपको लगेगा ये क्या खबर हुई, ऐसा तो होता ही है, लेकिन खबर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बेटी हुई ठीक है, खुशी मनाई ये भी ठीक है, लेकिन परेशानी तब हुई जब इस खुशी मनाने के चक्कर में बेचारे शख्स को जेल जाना पड़ गया। है ना मजेदार खबर। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली के तीन मूर्ति लेन के पास CPWD परिसर है, उनके घर 21 सितंबर को एक बेटी का जन्म हुआ। इसी खुशी में उन्होंने अपने घर के आगे पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया। वो जश्न ही मना रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि थोड़ी देर में उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक CPWD का ये परिसर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज से गूंज उठा। पुलिस आती है और सीधे विवेक को उनके घर से गिरफ्तार करके ले जाती है। हैरान हो गए ना आप। दरअसल हुआ ये कि CPWD परिसर लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के काफी नजदीक है। विवेक ने जब पटाखे फोड़े तो इससे सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। यही नहीं, दिल्ली में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ना मना है। पटाखे फोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। विवेक ने रात के 10 बजे के बाद पटाखे चलाए जिनकी आवाज PM हाउस तक पहुंच गई, जिसके बाद SPG ने तुरंत इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में की और पुलिस आनन फानन में वहां पहुंची। पता चला कि आवाज CPWD कंपाउंड से आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया। विवेक ने बताया कि वो बेटी के पैदा होने की खुशी में पटाखे चला रहे थे, जिसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन विवेक की एक गलती उन पर ही भारी पड़ गई।